कटवा रहे ना तू फाइन रहा था तो फाइन ना तुम जा रहे हो फाइन कटवाने कटवा के लाओ तुम्हें चाबी देंगे तू मेरा दुश्मन है ए बाबा अरे वाह क्या हेलमेट है आप फोटो ऑफ द डे आप हेलमेट भी रखे हैं आपका आदर के साथ आज आपका हम लोग फाइन कटवाएंगे क्योंकि इस उम्र में भी आप हेलमेट रख के नहीं पहने हेलमेट है फिर भी नहीं लगाते नहीं है तो वो समझना है अब लगाने से क्या होगा अब तो पकड़ा गया आप गाड़ी लगाइए बिना लाइसेंस के हेलमेट नहीं चला उसको भी रखो सुधर जाओ तुम एग्जाम देगा तो बिना हेलमेट के चलेगा और तीन वो चलेगा जाओ को छोड़ देंगे जाओ तंग मत रहो हमको बार बार बोला तुमको सब आप जल्दी कीजिए जुर्माना जमा कीजिए छोड़ देंगे आपको आपकी सुरक्षा धोखा क्यों हुआ इसका मतलब है कि प्रतिदिन नहीं बोल रहा है आदत नहीं है चलने का आपको ट्रिपल लोड करते हैं आप अकेले हैं सहयोग नहीं करेंगे क्या आप गोड्डा में रहते हैं क्या आप भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं या फिर अपना लाइसेंस घर भूल जाते हैं क्या आप भी महिलाओं को ओवरलोड कर ये सोचकर सड़क पर उतर जाते हैं कि पुलिस महिलाओं को देखकर छोड़ देगी तो आप गलत हैं पूरे झारखंड के साथ साथ गोड्डा पुलिस भी ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कस रही है जो ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर अपने ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोड्डा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर काफी सक्रिय एवं मुस्तैद नजर आ रही है जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं प्रशासन इस वाहन चेकिंग अभियान में इतनी सघनता से जुट गई है कि वाहन चालक आम हो या खास महिला हो या नाबालिग किसी को भी नहीं बख्श रही है आज भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया गोड्डा BDO नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार महतो SI मुकेश सिंह के नेतृत्व में हर आने जाने वाले वाहन चालकों की जांच की गई इस दौरान तो कई वाहन चालक दूर से ही कांपते नजर आए हालांकि जिन लोगों के पास सारे कागजात मौजूद थे उन्हें आगे बढ़ने दिया गया लेकिन जो वाहन चालक घर पर ही लाइसेंस भूल गए थे अपने हेलमेट को बाइक की डिक्की में टांग कर चल रहे थे और जिन चालकों ने महिलाओं को ये सोचकर ओवरलोड कर रखा था कि पुलिस इस बार माफ कर देगी उन सबका एक एक कर चालान काटा गया आज के इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कई नाबालिग बच्चे भी टोटो चलाते दिखे जिन्हें पुलिस ने सख्त हिदायत दी बता दे गोड्डा ही नहीं पूरे झारखंड में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पिछले दिनों भी प्रशासन द्वारा आम लोगों को गुलाब का फूल देकर और मिठाई खिलाकर बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक रूल्स समझाए गए थे बावजूद लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि आज गोड्डा पुलिस द्वारा सैकड़ों वाहन चालकों का चालान काटा गया इस चेकिंग अभियान को देखकर ये तो साफ हो गया है गोड्डा पुलिस सुरक्षा के मामले में किसी को बख्शने वाली नहीं है सर चाबी लेने को लेकर इशू मचता है क्यों लिया जाता है बिल्कुल हम लोग चाबी नहीं लेते हैं ये लोग रुकवाते हैं और जो धक्का देके भागने लगता है तो गाड़ी का इंजन कैसे बंद होगा इसीलिए हम लोग चाबी लेकर सुरक्षित रखते हैं देखिए आपके सामने हाथ में चाबी है जो फाइन कटवाते हैं तुरंत में चाबी लेकर हम लोग रिलीज करते हैं ऑन द स्पॉट फाइन कट रहा है आज अरे यार दंडाधिकारी है बात करो उनसे हेलमेट पहने का है नहीं ये जरा बस खड़ा था ना इसीलिए उतारे थे और पहले लगा के यार पकड़िए इसको चलो जाओ तो फाइन करा लो फाइन करा पहले जो गलती किया उसे सजा भुगतो कोई हड़बड़ी नहीं है आराम से जा कोई दिक्कत है तुरंत देख लीजिए छू के देखिए ना अभी नहीं पहने आप इतना देर में तो पहन गीला एकदम गीला है भाई बताइए आप लेडीज बैठा के चलते हैं हेलमेट नहीं पहनते हैं अभी पहले थे देख लीजिए बाल देख लीजिए गीला हो गया है वहाँ BDO साहब है उनसे बात कर लीजिए चलिए गाड़ी अपने से लगाइए हम चाबी नहीं ले रहे हैं जाइए धीरे धीरे जाइए BDO सर हैं बात कर लीजिए भागिएगा तो अलग फाइन हो जाएगा सर BDO वाला फोटो ले लिया है
शिकायतें मिल रही है और ऐसा हम लोग महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि रिपीडली गाड़ियां बिना कोई कानून का पालन किए हुए चल रही हैं। हम लोग लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग इतना एफर्ट लगाए, इतना हम लोग मिन्नत किए, लोगों को फूल माला पहनाए, लोगों को मिठाई खिलाकर समझाने की कोशिश किए, गार्जियन को समझाए, बच्चों को समझाए, लेकिन लगातार लोग कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे। तो आज हम लोग इंटायर गाड़ी, चाहे वो मालवाहक गाड़ी हो या फोर व्हीलर और कोई गाड़ी हो या फिर टोटो टेम्पू हो या बाइक हो, जो भी कानून के अनुसार नहीं चल रहे हैं उनका वाहन चेकिंग किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे थाना प्रभारी और वीडियो साहब भी मौजूद हैं, डीटीओ के कर्मी भी मौजूद हैं, यहाँ पर हम लोग जांच कर रहे हैं और फाइन कटवा रहे हैं। कब तक ये चेकिंग चलेगा? ये चेकिंग अभी कंटिन्यू चलेगा। सर, आज जो ये वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है जिसमें से कि टोटो और बड़ी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ बताइएगा सर? हम लोग आज ही नहीं, लगातार हम लोग गोड्डा में छोटी गाड़ी चाहे बड़ी गाड़ी के लेके अभियान चलाते रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक अभियान चलाए थे जिसमें काफी लोगों को हिदायत दे दे के छोड़े थे।